हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम टेस्ट करने वाले हैं, हमारा जितना भी होली का आइटम है ना, आज उस सारे की टेस्टिंग करेंगे और फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। और आप देख सकते हो यार, कितना सारा न्यू आइटम है। आप देख सकते हो इस साइड में हमारे पास कितने तोता के आइटम है, उस साइड देख सकते हो कोका है, बहुत अलग अलग वेराइटी का आइटम है। उनका सबका टेस्ट करेंगे और आगे देखने को मिलती है आपको बहुत सारी फिजगारी, उनका टेस्ट करेंगे और देखते हैं वो कैसी चलती है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम किस चीज़ का टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम जैसे कि कोई भी पटाखा हुआ, स्मोक हुआ, इनका टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इन गुलाल शूटर गन का और देखते हैं ये कैसे चलती। उसके बाद थंडर का टेस्ट करेंगे, उसके बाद पक्के कलर का टेस्ट करेंगे, उसके बाद गुलाल का टेस्ट करेंगे, उसके बाद उन सारी पिचकारियों का टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। और आप देख सकते हो यार, एक बार आप सामान तो देखो, हमारे पास कितना सारा सामान है, इसकी आज हम बारी बारी से टेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। और उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अभी तक आपने अपना भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी होली अच्छे से बीते। आप हर्बल कलर का यूज़ करें, पक्के कलर का यूज़ ना करें, और अच्छे से आपकी होली निकले। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो में कितना मज़ा आता है। चलो फ्रेंड्स, टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहन लेते हैं हमारी मलिंगा वाली कैप को और टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हो यार, हमारा मलिंगा भी तैयार है और टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टेस्ट करते हैं इन पार्टी पॉपर का, गुलाल पॉपर का, और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। दो पीस का एक साथ टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आता है। तो हमारा मलिंगा तैयार, तो रेडी। और आप देख सकते हो इस टाइप का नज़ारा देखने को मिला, और देख सकते हो इस टाइप से चला। आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स, आप टेस्ट करते हैं इस तोता के बड़े वाले गुलाल पॉपर का और देखते हैं ये कैसा चलता है। मलिंगा तैयार, तो लगा दो आग। और देख सकते हो इस टाइप से मलिंगा ने आग लगे। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। और आप देख सकते हो कितनी हर्बल गुलाल भरी हुई है। तो अब टेस्ट करते हैं हम इस स्टैंडर्ड के पार्टी पॉपर का और देखते हैं वो कैसा चलता है। वो आगे है, मलिंगा को भी पता नहीं कौन सा है पार्टी पॉपर, क्योंकि यार बहुत सारे आइटम पड़ा है ना, पता भी नहीं चलता है कौन सा आइटम कहाँ पड़ा है। और देख सकते हो इस टाइप का हमें नज़ारा देखने को मिला। आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और आप देख सकते हो कितनी हर्बल गुलाल भरी हुई है। मलिंगा, आपको ये कैसा लगा? बहुत ही शानदार, बहुत शानदार है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं इस लोकल ब्रांड के पार्टी पॉपर का, गुलाल पॉपर का, और देखते हैं ये कैसा चलता है। यार मेरी भी जबान बार बार फिसल रही है, पार्टी पॉपर का नाम आ रहा है। अब देखते हैं ये कैसा चलता है। इसके अंदर गुलाल निकलती है और देख सकते हो इस टाइप की गुलाल देखने को मिली है, इस टाइप की। इसके अंदर हर्बल गुलाल या हर्बल गुलाल तो नहीं, पर गुलाल भरी हुई है। और साथ में पार्टी पॉपर भी थे, पार्टी पॉपर भी थे। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड के कलर स्मोक का और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। दो पीस को एक साथ जलाते हैं और फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। और हमारा मलिंगा हो चुका है तैयार, दोनों पीस को एक साथ लगाएगा आग और फिर देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार का कलर स्मोक देखने को मिलता है। वैसे यार, ये आइटम भी एक नंबर का है, मेरा भी ये फेवरेट है, क्योंकि यार इसके अंदर कलर स्मोक भी चलते हैं और दिवाली का भी मज़ा आ जाता है। तो हमारा मलिंगा तैयार, आग लगा दो और पीछे आ जाओ। और आप देख सकते हो इस टाइप का कलर इफेक्ट देखने को मिला है हमें, इस टाइप का, इस टाइप से रॉकेट चलते हैं, जिस टाइप से चलते हैं। और आपको इसमें मज़ा आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। आप देख सकते हो छत कितनी रंगीन हो चुकी है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, एक बार टेस्ट करते हैं हमारे स्टैंडर्ड के कलर स्मोक का, फिर देखेंगे दूसरे वाले का, फिर उसके बाद लोकल जितने भी स्टैंडर्ड के कलर स्मोक है ना, उनका टेस्ट करेंगे। बहुत सारे कलर स्मोक है स्टैंडर्ड क्या। हाँ, तो इसका टेस्ट कर रहा है हमारा भाई मलिंगा। चलो टेस्ट करो। और आप देख सकते हो कितना गहरा कलर आग लगी। और आप देख सकते हो, हिलाओ मत मलिंगा, हिलाओ मत, उस साइड ही रखो। आप देख सकते हो कितना गहरा फोक देखने को मिलता है। आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब टेस्ट करते हैं हमारे इस गुजरात वाले कलर स्मोक का और देखते हैं ये कैसा चलता है। तो मलिंगा, किस बात का इंतजार कर रहे हो, फटाफट आगे आ जाओ। और ये मलिंगा हमारा आगे आ चुका है और इसको आग लगा रहा है और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार का स्मोक देखने को मिलता है। लोकल वाले अच्छे चलते हैं या नहीं। और ये तुरंत तुरंत चला और इस टाइप का गहरा फोक देखने को मिला। यार ये भी अच्छा है आइटम है, इसका बॉक्स खरीदा था हमने 110 रुपये में और इसके अंदर भी हमें 5 पीस देखने को मिला। अच्छा आइटम है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। मलिंगा, आपको कैसा लगा?
शानदार। और अंकल जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, देखो अंकल जी ने भी बोल दिया बहुत अच्छा है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। अब क्या ले, अब क्या ले? ओ ये देख सकते हो आप, हमारे पास इतने सारे कलर स्मोक यहाँ है, इनका भी टेस्ट करते हैं। मलिंगा ले लो एक दो, हाँ ये लोकल ब्रांड के। उसके बाद हम लेंगे स्टैंडर्ड के छोटे वाले कलर स्मोक, देखते हैं वो कैसे चलते हैं। उसके बाद लेंगे मारुलेस के टू साइड कलर स्मोक। लगा दो आग और आप देख सकते हो मलिंगा ने दोनों में आग लगा दी है और इस टाइप का फोक देखने को मिला है। अच्छा है, थोड़ा ग्रीन कलर नीचे रखना। आप देख सकते हो इस टाइप का हमें फोक देखने को मिला। आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस मॉडलेस के डबल साइड कलर स्मोक का और देखते हैं ये कैसा चलता है। तो मलिंगा आ जाओ आगे। आ गया और ये आ चुका है हमारा मलिंगा और दोनों साइड में आग लगाएगा और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। और लगा दी मलिंगा ने आग, अब देखते हैं चलते भी है या नहीं। चल जा बट्टी चल जा। नीचे से चल गया, ऊपर से नहीं चल रहा है। चल गया दोनों तरफ एक साइज गई रखना। आप देख सकते हो इस टाइप का, थोड़े से घुमा देना इस टाइप से, है ना यार एक नंबर का आइटम। आपको मिले तो आप जरूर खरीदना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हो और देखते हैं वो कैसे चलता है। मलिंगा इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सुपर फंडा। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं हमारी बॉस की और राधे राधे गन की और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो मलिंगा अब दोनों गन चलाएगा और देखते हैं किस प्रकार का हमें कलर इफेक्ट देखने को मिलता है और किस प्रकार से ये गोले लगाता है। डिशिंग डिशिंग लगा दो आग। और अंकल जी को बुलाने वाले भी आ चुके हैं और आप देख सकते हो दोनों गन यार एक नंबर चली है, एक नंबर। हमारी बॉस की थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई जबकि राधे राधे गन अभी भी चल रही है। आप देख सकते हो टाइमिंग भी इसकी अच्छी और इसका फोक देख सकते हो कितना गहरा फोक है। और मलिंगा यार हमने ऊपर गोली चला दी, अब मैं मर ना जाऊँ। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हो और देखते हैं वो कैसा चलता है। और आप टाइमिंग देख सकते हो यार, टाइमिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस स्टैंडर्ड के छोटे वाले कलर स्मोक का और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। तो इनको फटाफट से ले लेते हैं साइड में और इनका टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। इसके दो कलर स्मोक एक साथ जलाते हैं और इनका बॉक्स खरीदा था हमने 50 रुपये में। 50 रुपये के हिसाब से इसके अंदर 5 पीस देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कैसे चलते हैं, कितना गहरा कलर देखने को मिलता है, प्राइस में अच्छा माल देखने को मिलता है या नहीं। और आप देख सकते हो यार कितना गहरा फोक देखने को मिला है। 10 रुपये का एक पीस मिलता है हमें, उसके हिसाब से तो यार बेस्ट है। आपको मिले तो आप जरूर खरीदना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं, कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिला यार। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस विस्लिंग बॉल का और देखते हैं ये कैसी चलती है। इसके साथ हमें विस्लिंग भी देखने को मिलती है और कलर स्मोक भी देखने को मिलता है। और अब ये हमारा स्मोक वाला लास्ट आइटम है, उसके बाद हम होली का आइटम टेस्ट करेंगे, दूसरा कोई भी थंडर यूज़ करेंगे। थंडर इस टाइप का चलता है, काफ़ी तेज आवाज़ थी इसकी यार, मेरे को डरा दिया इसने। और आप देख सकते हो इस टाइप का फोक देखने को मिला। आपको ये पसंद आया तो नेक्स्ट का, आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। मरिंगा कैसा लगा? सुपर। फ्रेंड्स अब इस तूफान का टेस्ट करते हैं और आप देख सकते हो और इस टाइप का हमें गुलाल देखने को मिलता है। और देख सकते हो इस टाइप से एक ही बार चलाना, यो देख सकते हो इस टाइप से कंटिन्यू चला रहा हूँ और देख सकते हो इस टाइप से चलता है, काफ़ी तबाही मचा था है। और ये चला और देख सको काफ़ी अच्छा पाता है, काफ़ी अच्छी गुलाल देखने को मिली हमें। सच में यार एक नंबर का आइटम है, आपको मिलेगा आप जरूर खरीदना इस टाइप का, काफ़ी गहरा कलर है और देख सको इस टाइप का काफ़ी अच्छा प्रेशर है और काफ़ी देर तक चलता है। और अब खाली हुआ ये, अब खाली हुआ, अभी भी अच्छी आवाज़ देखने को मिलती है, काफ़ी गहरा कलर भी है। आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस तोता के छोटे वाले थंडर का और देखते हैं ये कैसा चलता है। तो फटाफट से मलिंगा इसकी सील खोल दो, सील खोल दी मलिंगा ने, पीछे से पिन भी हटा दी। अब अच्छे से चेक कर रहा है और अब टेस्ट करेगा और दिखाएगा कि कैसा चलता है ये। और आप देख सकते हो इस टाइप से चलता है और ये टाइमिंग थोड़ी इतनी ही आती है इनके अंदर, कुछ ज़्यादा देर तक चलते नहीं। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं, पर इनकी प्राइस के हिसाब से ये बेस्ट है। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इन
कोक ब्रांड के गुलाल शूटर का, और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। तो मलिंगा फटाफट से इनका ले लो और इनका टेस्ट करो। और मलिंगा भी इन सामान को लेकर आ चुका है और आप देख सकते हो इस टाइप के ये इस टाइप से चलते हैं, है ना यार, एक नंबर का आइटम। पर यार ये उल्टे हाथ से कुछ कम दबते हैं, सीधे हाथ से आराम से दब जाते हैं, क्योंकि यार इनमें ये एक थोड़ा कड़क है इस टाइप का। और ये देखो इस टाइप से, है ना यार, एक नंबर का आइटम। आपको मिले तो आप ज़रूर खरीदना, है ना यार, एक नंबर का आइटम। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हो और देख सकते हो किस टाइप से हमें इसके अंदर गुलाल देखने को मिलती है अपने दोस्तों को गुलाल में करने के लिए। एक नंबर का आइटम, आप देख सकते हो इस टाइप से हाथ हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हो और देखते हैं वो कैसे चलता। मुंह पे मत करो यार, अभी तो मुंह के लिए तो आपके पास बहुत सारी गुलाल है। तो चलो फ्रेंड्स आप टेस्ट करते हैं श्री गणेश के गुलाल शूटर का और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। तो मलिंगा लेक ले लो गुलाल शूटर और तबाही करना स्टार्ट करो। और ये हमारा मलिंगा, और देख सकते हो यार कितना गहरा कलर देखने को मिलता है और काफ़ी स्मूथ चलता है। उस साइड दिखाना, उस साइड, इस साइड क्या हो रहा है, फोकस आ रहा है ना, लाइटिंग इस टाइप से चल रहा है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है यार ये आइटम, पूरा स्मूथ चलता है। आपको मिले तो आप ज़रूर ख़रीदना इस टाइप से, देख सकते हो कितना स्मूथ घूमता है और काफ़ी गहरी कलर की हमें इसके अंदर गुलाल देखने को मिलती है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इसका नाम ज़रूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं तोता की गुलाल गन का और देखते हैं ये कैसी चलती है। और आप देख सकते हो हमारा सामान डस पस डसना स्टार्ट हो गया है। लिया मोटी गन लिया, और मलिंगा कुछ बोल रहा है शायद तक उसको, मोटी गन लिया। तो अब इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसी चलती है। और देख सकते हो यार ये भी काफ़ी स्मूथ चलती है, आप देख सकते हो इस टाइप से स्मूथ देखने को मिलती है और इसके अंदर भरी हुई है हर्बल गुलाल यार। इनके अंदर यार ये बात तो है कि तोता का जो भी आइटम आ रहा है ना उसके अंदर यार गुलाल यार एक नंबर की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, इस टाइप से देखने को मिलता है। और अब देखो ये छोटा बच्चा भी आया, अब इससे चलती है या नहीं, अब वो चला नहीं पाएगा इस टाइप से, ये देखो वो टेढ़ा भागा करेगा इस टाइप से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मलिंगा अपना अच्छा चला रहा है, आप देख सकते हो मलिंगा तो यार आजकल एक्सपर्ट बन चुका है, इनको चला चला कर चला चला कर चला चला कर चला चला कर। और मलिंगा की केप कुतर गई है, इसका मतलब हमें दूसरा आइटम की टेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं हमारे जॉन रंग भारत का और देखते हैं ये कैसा चलता है। इसके अंदर होते हैं कुछ पटाखे, उन पटाखों का टेस्ट करते हैं और देखते हैं उनके अंदर हमें किस प्रकार का साउंड देखने को मिलता है, किस टाइप की गुलाल देखने को मिलती है। मलिंगा आप तैयार हो? Yes! तैयार हो तो आग लगा कर पीछे भाग जाओ। और ये मलिंगा भाग चुका है, मैं भी पीछे भाग जाता हूँ यार, मेरे को भी डर लगता है। चलेगा नहीं चलेगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, शायद तक नहीं चलेगा। क्या कर रहा है, धोखा दे दिया यार, धोखा इसने सरेआम हमें धोखा दिया है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं, एक और ले लेते हैं फटाफट से और उसका टेस्ट करते हैं। देख सकते हो दिन में ही धोखा दे रहे हैं, इस टाइप से चलाते हैं। मैं दूर आ जाता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ। और आप देख सकते हो यार काफ़ी तेज़ आवाज़ देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी गुलाल भी देखने को मिली और मैं खुद भी डर गया। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं हमारे श्री गणेश के इस टाइप वाले गुलाल शूटर गन का और देखते हैं ये कैसा चलता है। और इसने खोल दिया यार, इसने खोल दिया इसको, मैं किसी को देने वाला था ये, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं यार। एक हमारा सब्सक्राइबर है, क्या नाम उसका, पार्थ, उसको देना था पर यार अभी नहीं दे पाए। चलो इसका टेस्ट करते हैं इस टाइप से, काफ़ी गहरे कलर देखने को मिलते हैं इस टाइप के, है ना यार, एक नंबर का आइटम। काफ़ी गहरा गुलाल देखने को मिलता है और गुलाल के अंदर यार हर्बल खुशबू आ रही है, हर्बल गुलाल है। मेरे इतनी जुबान ज़्यादा फिसल रही है, गुलाल यार सच में इनकी गुलाल मुलायम है और काफ़ी अच्छी गुलाल देखने को मिलती है। और आप देख सकते हो इस टाइप की इसकी नोज़ल कितनी तीखी है, जो गुलाल को एक बार में देख सकते हो इस टाइप से गुलाल मिल जाती है, जो कुछ पेंटिंग भी कर सकते हो आप, है ना यार, एक नंबर का आइटम। चलो मलिंगा नेक्स्ट का टेस्ट करते हो और देखते हैं वो कैसा चलता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में मलिंगा जरूर बताना यार, मलिंगा अपनी काफ़ी मेहनत करता है यार आपके लिए। तो चलो फ्रेंड्स आप टेस्ट करते हैं हमारे
इन कलर स्नो स्प्रे का और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। आप देख सकते हो ये बोस के स्नो स्प्रे हैं, इनका टेस्ट करते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे कोक ब्रांड के वो किस प्रकार से चलते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे उस पिंकी वाले स्प्रे का और देखते हैं वो पिंकी कैसे चलती है। तो इसका टेस्ट करने के लिए हमारी टाटा स्काई रेडी है और देख सकते हो काफ़ी अच्छी पेंटिंग देखने को मिली है हमें। म्यूजियम में जाएगी तो आराम से ये 1-2 लाख की तो आराम से बिक जाएगी यार, काफ़ी अच्छी है। और आप इसकी बोस के ये जो कलर स्नो है ना, आप देख सकते हो कितने अच्छे इसके अंदर फोग देखने को मिलता है हमें, इस टाइप का काफ़ी गहरा अच्छा इस टाइप का। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं हमारे मुर्गा वाले कलर स्नो स्प्रे का और देखते हैं ये कैसा चलता है और इसे कहाँ टेस्ट करते हैं। हमारी छतरी तो हो चुकी है रंगीन, इसे यार नीचे ही कर देते हैं यार। और देख सकते हो इस टाइप से फोग देखने को मिलता है। मलिंगा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, हैप्पी होली होली, देख सकते हो हैप्पी होली। अरे यार मलिंगा तो कुछ भूल गया है, होली की जगह क्या कर रहा है ये, अब लिखा इसने हैप्पी होली। इसके अंदर यार इतना खास गहरा फोग तो नहीं लिखा, चमक नहीं आ रही है इसके अंदर, क्या हो रहा है। अब आई चमक, आप देख सकते हो, अब देख सकते हो अब आई चमक इनके अंदर। अच्छा आइटम है यार कोक का भी, काफ़ी अच्छा फोग देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे चलते हैं। और आप देख सकते हो इनकी टाइमिंग यार काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा समय तक चलते हैं। इसे ख़रीदा था हमने 75 रुपीज़ में, आप देख सकते हो साइज़ भी काफ़ी बड़ी है और चलता भी काफ़ी अच्छा है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं हमारे पिंकी वाले स्प्रे का और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। लड़कियों का ये स्प्रे है, अब देखते हैं इनके अंदर हमें किस प्रकार का कलर देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो यार छत काफ़ी रंगीन हो चुकी है, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। फटाफट से इसका टेस्ट करते हैं। और ये चल रही है हमारी पिंकी इस टाइप से, ये वो कलर है जो अपने हाथों पर ले लो और उसको किसी के चेहरे के ऊपर मसल दो और ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है और फटाफट से उतर भी जाता है, लड़कियों के लिए है। अभी यार कॉल किसने की और चलो अच्छा है आइटम है, आपको मिले तो आप जरूर खरीदना, लड़कियों के लिए खास बना होता है ये आइटम। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस तोता के ब्लास्टर का और देखते हैं ये कैसे चलते हैं। तो मलिंगा इनको साइड में लेकर आप जाओ, आप देख सकते हो यार गिम्बल की ज़रूरत है यार, हमारा कैमरा ज़्यादा शेक हो रहा है, आपको वीडियो द्वारा शेक ही देखने को मिल रही होगी। इस टाइप से देख सकते हो काफ़ी अच्छा चलता है ये तोता ब्रांड का ब्लास्टर इस टाइप का, नीचे होगा तब कितने गहरा कलर देखने को मिलता है, आप देख सकते हो इस टाइप का ये है, इस टाइप का ये है, काफ़ी अच्छा गहरा कलर देखने को मिलता है। आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। मलिंगा आपको ये कैसा लगा? फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मलिंगा हमारा मार्वलेस बन गया, मार्वलेस बन गया, इंग्लिश में एक्सपर्ट बन गया। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस तोता ब्रांड के राव कलर लाल का और देखते हैं ये कैसी चलती है। राव कलर गुलाल है, क्या है, हर्बल ऑर्गेनिक गुलाल है शायद तक, आप देख सकते हो इस टाइप की है। और इसके अंदर यार अच्छा अच्छा फ्लेवर होता है क्योंकि इसके अंदर जिस टाइप का बॉक्स होगा ना उस टाइप का फ्लेवर होगा इसके अंदर। जैसे कि हरा पाउच है तो उसके अंदर हमें पालक या मेथी का फ्लेवर देखने को मिलता है, पिंक कलर का है तो हमें उसके अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देखने को मिलता है, और येलो कलर का बॉक्स है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है हल्दी वाला। तो फटाफट से इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इनके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। और ये मलिंगा हमारा निकाल रहा है इस टाइप से, और काफ़ी मुलायम गुलाल होती है और सच में यार हल्दी की खुशबू आती है इसके अंदर, आप देख सकते हो बिल्कुल हल्दी फ्लेवर में। इस टाइप से मलिंगा ने लगा दिए, इतना ही लगाना और अपनी केप खोल दो यार थोड़ी देर के लिए, हाँ ताकि आपको गुलाल अच्छे से देखने को मिलेगा। और मलिंगा थोड़ी देर शांत रहना ना, आपका नंबर फिर से आ गया। और ये ले लिया है उसने पिंक कलर का बॉक्स और इसका टेस्ट करते हैं और इसके अंदर हमें देखने को मिलती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस टाइप का, और काफ़ी अच्छी खुशबू देखने को मिलती है यार। अगर मेरे पास इसका एक बॉक्स और ज़्यादा होता, एक्स्ट्रा होता तो यार काफ़ी अच्छा रहता, किसी को गिफ्ट देने के लिए यार अच्छा आइटम है। और आपको मिला है तो आप इसे ज़रूर खरीदना यार, अभी गुलाल में कोई भी गिफ्ट बॉक्स खरीदो तो इस चीज़ को यार जरूर खरीदना। और ये हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी, अब स्ट्रॉबेरी को कहाँ कह रहा है, और ये स्ट्रॉबेरी लगाया आपने, हाँ लगा दिया है, बस 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 उधर ही काफ़ी है। अब लगाएगा हमारा मलिंगा इस पत्ता गोभी पालक मेथी पालक, आप देख सकते हो मेथी पालक की खुशबू आती है इसके अंदर,
इस टाइप का फ्लेवर है और आप देख सकते हो कलर इसका इस टाइप का है। अगर यो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। मलिंगा आप खुश हुए? बहुत जोरदार मजा आ गया सच में यार। अगर मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आइटम यार सबसे एक नंबर का लगा गुलाल के अंदर किसी को गिफ्ट बॉक्स देने के लिए। आप भी जब यूज़ करोगे ना सच में बोलोगे यार एक नंबर का आइटम है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आप टेस्ट करते हैं इस तोता ब्रांड की हर्बल गुलाल का और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे वो कोक ब्रांड की वाव गुलाल है उसका टेस्ट करेंगे और देखते हैं वो कैसी चलती है। और भी हमारे पास यार बहुत सारी गुलाल है जैसे कि यार अलग अलग वेराइटी नाम ही याद नहीं, बिंगो है, स्टार है, प्रीमियम है और कौन कौन सी है यार, और पोको है, काफ़ी सारी गुलाल है। तो आप देख सकते हो इनकी बॉक्स पैकेजिंग आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है इस टाइप की। किसी भी गिफ्ट देने के लिए यार अच्छा आइटम है, किसी भी गिफ्ट दे सकते हैं। और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। इस टाइप की गुलाल है और काफ़ी अलग फ्लेवर देखने को मिलता है और काफ़ी खुशबू भी अलग है इसके अंदर यार। मुलायम सॉफ्ट गुलाल है अलग ही टाइप की। और इसके अंदर क्या आ रही है, किस टाइप की खुशबू है, किसकी है पता नहीं यार। मिक्स मसाला अच्छा है पर अच्छी खुशबू है कुल मिलाकर। बात यह है कि यार खुशबू अच्छी है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। हाँ लगा दो, पर आपका मुंह तो पूरा भरा हुआ है, कहाँ लगाओगे। तो भी अच्छा लग रहा है यार मलिंगा, आप थोड़ी देर के लिए कैप खोलना पड़ेगा आपको। हाँ देख सकते हो इस टाइप से है ना यार एक नंबर का आइटम। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसी चलती है। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस तोता के न्योन बॉडी पेंट का और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार का पेंट देखने को मिलता है। फटाफट से इनको खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार का पेंट देखने को मिलता है। हाँ इस टाइप का है और काफ़ी चमकदार है ये यार देख सकते हो, काफ़ी अच्छा चमक रहे हैं आप देख सकते हो। इस टाइप की ये चमक है इसके अंदर देखने को मिलती है और ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पतला था आप देख सकते हो। इस टाइप से काफ़ी अच्छे कलर देखने को मिलते हैं और काफ़ी गहरे कलर देखने को मिलते हैं। और आपको ये पसंद आए हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस मुर्गा के रंग पेस्ट का और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की टूफे देखने को मिलती है, किस टाइप का कलर होता है इनके अंदर। और इसे खोल देते हैं और देख सकते हो हमारे मलिंगा ने काफ़ी मेहनत के बाद इसे खोल दिया है। और आप देख सकते हो इसके अंदर हमें इस प्रकार की गोल्डन देखने को मिलती है। क्या नाम है रे, आगे पीछे से फट गई, साइड में रहना यार नीलू। आप देख सकते हो इस टाइप की हमें ये पेस्ट देखने को मिलता है। क्या सारे पाउच में इस टाइप की भी गुलाब ये पेस्ट देखने को मिलता है हमें? हाँ शायद तक यही होगा। क्या नाम है, चांदी। ओके तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इन गोल्ड और सिल्वर पेस्ट का और देखते हैं ये किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें कितने गहरे पेस्ट देखने को मिलता है। मैं भी यार नाम बोल रहा हूँ बार बार। आप देख सकते हो ये गोल्ड कलर का है इस टाइप का और ये है सिल्वर। आप बताओ क्या आपको अच्छा लगा ये? अरे यार मैं काफ़ी दूर, आप देख सकते हो इस टाइप का है ना यार काफ़ी अच्छे। गोल्ड थोड़ा कम चमक रहा है जबकि सिल्वर अच्छा है ना यार एक नंबर का आइटम। या फिर स्किन और ये गोल्ड बिल्कुल एक जैसा हो रहा है इसलिए हमें कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आप टेस्ट करते हैं इन गुलाल का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये गिफ्ट बॉक्स है, ये कोको वाला है, ये इंजॉय का है, ये ज्वेलर्स का है और एक हमारा कोक ब्रांड का देखने को मिलता है, ये रॉयल का देखने को मिलता है, ये तोता ब्रांड का देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको देखने को मिलती है पाउच, यहाँ स्टार की पाउच है आपको देखने को मिलता है, तोता वाली पाउच है। इसके बाद कोक ब्रांड की देखने को मिलती है, कोक ब्रांड की है, स्टार की है, पीकॉक की है और कोक ब्रांड की गोल्ड है। तो इन सब गुलालों का टेस्ट करेंगे बारी बारी से और देखते हैं कितना मज़ा आता है। तो फटाफट से टेस्ट करते हैं फर्स्ट नंबर के बॉक्स का, कौन सा है ये, अलग ही है। चलो सारंग का है तो इसके अंदर देखते हैं किस टाइप की गुलाल है। ये निकाल ली, ओए एक ही निकाल दो, ज़्यादा मत निकालो। इस टाइप की गुलाल है लक्स रोजी साबुन। और फ्रेंड्स इसके अंदर आ रही है लक्स साबुन की खुशबू यार, उस टाइप की खुशबू देखने को मिलती है कुछ साबुन टाइप से। और गुलाल आप देख सकते हो इस टाइप का गुलाल देखने को मिलता है, हल्का कलर का अच्छा है वैसे, हल्का कलर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये कोको ब्रांड के फ्रूट फ्लेवर गुलाल। आप देख सकते हो ये हमारे पास ऑरेंज है, ये हमारे पास एप्पल है और ये हमारे पास है वाटरमेलन।
आप देख सकते हो इस टाइप की गुलाले हैं। अब इनका टेस्ट करते हैं और देखते हैं इनके अंदर इस टाइप का फ्लेवर आता भी है या नहीं। मेरे को भी दो। ये है ऑरेंज और इसके अंदर ऑरेंज का फ्लेवर है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं है यार। जैसे वो तोता ब्रांड का हमने एक गिफ्ट बॉक्स अनबॉक्स किया था ना यार, फ्रूट फ्लेवर वाला, और इसके अंदर एप्पल की खुशबू तो यार इतनी बहुत कम देखने को मिलती है यार, इतना फ्लेवर तो नहीं है। ठीक ठाक है आइटम, मुलायम गुलाल है। और ये है वाटरमेलन यार, तरबूज की कोई खुशबू आती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को तो पता नहीं है, अलग है। गुलाल पुल गुलाल यार बिल्कुल मुलायम है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। अब ले लेते हैं हमारे इस एंजॉय के हर्बल गुलाल का और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है और इसके अंदर भरी हुई है किस टाइप की गुलाल। हर्बल गुलाल है, इस टाइप के पाउच है। एक पाउच फाड़ दो, एक फाड़ दो, एक ज़्यादा मत फाड़ो। हाँ एक ही फाड़ दो, एक ही फाड़ो एक। और ये मलिंगा ने फाड़ लिया है गुलाल और आप देख सकते हो यार काफ़ी गहरे कलर के गुलाल देखने को मिलती है और खुशबू भी यार एक नंबर है यार, सच में खुशबू यार एक नंबर की है। और गुलाल आप देख सकते हो इस टाइप के कलर देखने को मिलते हैं। मलिंगा कैसी है? और मलिंगा ने अपने दाढ़ी पे लगाई है इस टाइप से, और इस टाइप से अच्छा है, नाक पे भी लग गई यार। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। अब इस ये ऑर्गेनिक गुलाल का टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। अब ले रहा है हमारा इस ऑर्गेनिक गुलाल का और देखते हैं इसके अंदर हमें कोको की ऑर्गेनिक गुलाल है, वो भी कोको का आइटम ही है और ये भी कोको का आइटम है। और आप लगा के दिखाओ। मलिंगा का यार शरीर भी नहीं बचा कहीं भी लगाने के लिए, इतनी गुलाल लगा दी है, इन्फेक्शन नहीं हो जाए। आप देख सकते हो आपके लिए यार इतना ज़्यादा रिस्क ले रहा है अपना मलिंगा, देख सकते हो इस टाइप की गुलाल है। कमेंट में मलिंगा जरूर लिखना। और मलिंगा भी बोलता है कभी कभी। और वैसे तो जो भी हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या सारे कंपनी के यूज़ कर रहे हैं, अच्छे फ्लेवर वाले यूज़ कर रहे हैं, नॉन टॉक्सिक है इस टाइप के। आप देख सकते हो ये कोक ब्रांड का। आप देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। और आप देख सकते हो इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है नॉन टॉक्सिक है, नेचुरल है, स्किन फ्रेंडली है। और आप देख सकते हो इस टाइप का कलर देखने को मिलता है हमें, बैंगनी कलर। और बस आप यहाँ देख लो बस यार, इस टाइप की गुलाल है, मुलायम भी है, अच्छी भी है और चेहरे पर थोड़ी सी लगाई उसने और चमकदार है। चमक यार चमकदार है, आप देख सकते हो कितनी चमक है। मलिंगा यार आपकी केप फिर से आ गई आपके सिर पे, इसे कुछ देर के लिए पीछे हटा दूँ। यहाँ पर बैठो मलिंगा, थोड़ी देर बैठना यार, इंतज़ार करना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये रॉयल की हर्बल गुलाल। इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। और पैकेजिंग आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग देखने को मिलती है इन गुलाल के अंदर। और ये हमारे मलिंगा ने मुँह से अपने औजार से गुलाल फाड़ दिए और पूरा हाथ भर लिया गुलाल में। इस टाइप की गुलाल है, काफ़ी चमकदार और सच में यार मुलायम काफ़ी है। आप देख सकते हो इस टाइप की मुलायम है, मुलायम गुलाल है इस टाइप की है। कलर काफ़ी हल्का है, बस इसका कलर हल्का है, बस 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 मत लगाओ यार, ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारी गुलाल है ना, अलग अलग रिएक्शन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करते हैं हमारे तोता ब्रांड की हर्बल ऑर्गेनिक गुलाल का और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। और देख सकते हो मलिंगा का हाल क्या हो चुका है। और अब मलिंगा टेस्ट कर रहा है तोता ब्रांड की गुलाल का। और ये क्या कर रहा है, नाक में उंगली कर रहा है छोटा मलिंगा। और बैठ जाओ। तो अब ले लिए हमारे मलिंगा ने गुलाल और आप देख सकते हो काफ़ी लाइट कलर देखने को मिलता है, ब्लू कलर का। और तोता की गुलाल में तो यार खुशबू अलग ही आती है और काफ़ी मुलायम गुलाल हो, नहीं चेहरा पे मत लगाना, बस आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी अच्छी है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करते हैं उन पाउच का और देखते हैं उन पाउच के अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। तो अब टेस्ट करते हैं इस कोक ब्रांड की वाव गुलाल का और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। और यार ये कौन आ गया है, छोटा मलिंगा, आपको यहाँ किसने बुलाया? देख सकते हो, अब देख सकते हो कोक ब्रांड की ये वाव गुलाल है, इस टाइप के हमें कलर देखने को मिलते हैं। आप बताना आपके हिसाब से कैसी है। अच्छी है यार, काफ़ी मुलायम है और इसके अंदर यार खुशबू अलग ही आ रही। वैसे तो यार कोक ब्रांड की जो वेलवेट आती है ना, सच में यार एक नंबर की गुलाल देखने को मिलती है यार। उसके बाद आपको देखने को मिलता है स्टार की प्रीमियम गुलाल और देखते हैं इसके अंदर किस टाइप की गुलाल है। और इसके अंदर भी यार येलो कलर है, आप देख सकते हो इस टाइप का है ना यार, अच्छी गुलाल। आपको ये पसंद आ रही हो तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताना हो। और खुशबू कुछ अलग ही है, पर है खुशबू इसके अंदर में।
उसके बाद आपको देखने को मिलती है ये कौन है, ये स्टार की गुलाल। स्टार का कौन सा फ्लेवर है, किस टाइप की गुलाल है, नॉन टॉक्सिक, आप देख सकते हो नॉन टॉक्सिक गुलाल है। अब देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है, स्किन फ्रेंडली है, इसके बारे में बहुत सारा कुछ डिटेल दे रखी है। वैसे हमने सारे गुलाल यूज़ किए ना, सारी कंपनी के यूज़ किए, आप देख सकते हो सारे पाउच वाले यूज़ किए, अभी तक हमने खुली गुलाल नहीं ली है। और इसके अंदर भी यार गुलाब की खुशबू आ रही, गुलाब रोज़ के बोलने लगा, गुलाब है, अच्छी खुशबू देखने को मिलती है इस टाइप की रोज़ की। और गुलाल भी देख सकते हो इस टाइप की गुलाल है, ठीक है, अच्छे है। चलो इस नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करते हैं इस तोता की शाइनी गुलाल का। ये है वही साइड में पाउच, ये है हमारा पाउच। अब तोता की शाइनी गुलाल का टेस्ट करते हैं। और मलिंगा ने निकाल लिया है तोता ब्रांड की शाइनी गुलाल, और आप देख सकते हो काफ़ी चमकदार है ना यार। अभी हाथ पे निकालोगे तब दिखेगी इनकी चमक, इस टाइप से देख सकते हो। मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में भी गुलाल लगी हुई है और कैमरे का टच हो रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी चमक देखने को मिलती है ना यार। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। और ये मलिंगा क्या बोल रहा है, खुशबूदार। अब टेस्ट करते हैं इस पिकॉक की गोल्ड गुलाल का, और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है, किस टाइप के कलर देखने को मिलते हैं। और तेरी की यार मेरी फेवरेट गुलाल लई है, आप देख सकते हो कितने डार्क कलर देखने को मिले हैं, और अच्छी गुलाल है इस टाइप की गुलाल यार। अभी तक मैंने भी यार गहरे कलर नहीं देखे, अभी तक मैंने जो भी कलर यूज़ किया है ना यार, सारे हल्के कलर, लाइट कलर की गुलाल देखी है, और ये सबसे डार्क कलर की गुलाल देखने को मिली, अच्छी है इस टाइप की। और देख सकते हो हाथ कितना रेड हो चुका है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गहरी गुलाल देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। ये भी गुलाल अच्छी, जिनको गहरा कलर पसंद है उनके लिए ये अच्छी है। अब टेस्ट करते हैं नीलू पीछे पीछे मतलब अच्छे पीछे। उसके बाद देखने को मिलती है हमारे पास कॉक ब्रांड की गुलाल, उसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार की गुलाल देखने को मिलती है। और इसके अंदर भी काफ़ी लाइट डार्क कलर देखने को मिलते हैं इस टाइप के, और काफ़ी मुलायम है, आप देख सकते हो हाथ में फिसल रही है, खुशबूदार। कॉक ब्रांड की भी गुलाल अच्छी आती है, स्टार की भी अच्छी है, सबकी यार अच्छी अच्छी है गुलाल। तो आप देख सकते हो इस टाइप की, और कलर देख सकते हो जो रेड और पर्पल कलर का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, सच में यार एक नंबर हुआ है। और देख सकते हो यार मलिंगा आपके लिए यार कितनी मेहनत करता है, देख सकते हो कितनी सारी गुलाल का टेस्ट किया है हमारे मलिंगा ने। उसके लिए यार वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करते हैं किन का करते हैं, सोचना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इन पक्के कलर का, और देखते हैं इनके अंदर हमें कितना पक्का कलर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखने को मिलता है आपको स्टैंडर्ड का कलर, उसके बाद आपको देखने को मिलता है सौंदर्य के कलर, उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये स्टार वाले कलर, उसके बाद आपको देखने को मिलता है तोता ब्रांड के कलर। तो फटाफट से इनका टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमने डाला है ये कलर, और आप देख सकते हो इस टाइप का हमें ब्लू कलर देखने को मिला है, काफ़ी गहरा है। और इन डिब्बे को यार पीछे रख देते हैं, काफ़ी अच्छा दिखना है, दिखेगा हमें भी। फटाफट से मैं इनको पास पीछे रख देता हूँ इस टाइप से, और आपको भी एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। हाँ तो अब लगा रहा है हमारा, अब टेस्ट कर रहा है स्टैंडर्ड का सेकंड कलर, जिसके अंदर भी हमें सेम कलर देखने को मिला, कोई बात नहीं। नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सौंदर्य के कलर, ये है सौंदर्य के कलर, और आप देख सकते हो इस टाइप का कलर देखने को मिलता है। आप कमेंट में बताना आपको ये कलर पसंद है या नहीं, किस टाइप का कलर आपको अच्छा लग रहा है इस टाइप से। इनको इस टाइप से डालना पड़ रहा है, ठीक ठाक है कलर। तो अब स्टार का टेस्ट करते हैं। ये स्टार का कुछ पक्के कलर है, अलग टाइप का कलर है ये स्टार का, हो गया। अब ये स्टार का दूसरा है कलर, इस टाइप से डाला, ये ब्लू कलर है। अब टेस्ट करते हैं हमारे तोता ब्रांड के कलर का, और देखते हैं इसके अंदर हमें किस प्रकार का कलर देखने को मिलता है। तो ये है तोता ब्रांड का कलर, येलो कलर है, काफ़ी लाइट कलर देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छा कलर होता है ये, क्योंकि इनके अंदर दाने नहीं होते। अभी हमने स्टार का टेस्ट किया, उसके अंदर दाने होते, वैसे सौंदर्य के अंदर भी दाने नहीं देखने को मिलते हैं, और स्टैंडर्ड के वाले में भी दाने नहीं देखने को मिलते हैं, अच्छे हैं। आप देख सकते हो इनका कलर, ये हैं हमारे दोनों स्टैंडर्ड के तोता के, हाँ तोता के, ये दोनों हैं हमारे तोता के। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं ये स्टार के कलर, उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं ये सौंदर्य कलर, उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं दो स्टार के कलर, स्टैंडर्ड के कलर। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है, और आपको ये पसंद आया तो कमेंट में इनका नाम जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं इस पिकॉक का, और देखते हैं ये कैसा चलता है। तो इसे ले लेते हैं खोपचा में साइड में, और इसका टेस्ट करते हैं। मलिंगा आप तैयार हो? यस। और इन
मोर का ध्यान रखना होता है यार, इनके अंदर सीटियाँ भी बसती है और कभी कभी ये फूटते भी है। हाँ साइड में रहना, आग लगा दो और पीछे आ जाता हूँ मैं, सीटी बजी गई तो पास में जाऊँगा, पटाखा फूटा दूर रहूँगा। और आप देख सकते हो इस टाइप का बलून फुला 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 नहीं फुला, और बलून ने हमारे धोखा दे दिया, बलून तो फुला ही नहीं। क्या हुआ, स्मोक नहीं जला शायद तक, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा चलता है।